एक जंगल में एक शेर था। एक बार जंगल में एक शेर के किसान की बेटी के रूप पर मोहित हो गया। उसने लड़की से शादी करने का फैसला किया। वो किसान के पास गया और उसे उसकी इच्छा बताया। किसान में शेर की बात अवज्ञा करने का साहस नहीं है, फिर से उसकी वो इच्छा नहीं है कि उनका बेटी जंगल के शेर से शादी करे। लेकिन शेर के चेहरे पर ना कहने का कोई उपाय नहीं है, नहीं तो फिर मरना पड़ेगा। किसान ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने शेर को बुलाकर कहा, तुम पशु का राजा है, यदि मेरी पुत्री तुमसे विवाह करे तो वो रानी होगी। वो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बात पक्की है, लड़की की राय एक बार जरूर लेना चाहिए। शेर ने खुशी से कहा, अच्छा तुम जाओ और घर के अंदर से उनकी राय जान लो, मैं तब तक यही रहूँगा। किसान ने शेर को आंगन से बिठाया और घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बोला, लड़की वो सुनकर बहुत खुशी हुए, लेकिन उनकी एक शर्त है। शेर उत्साहित होकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हाल है? किसान ने कहा, तुम्हारी नाखून और दांत बहुत दौड़े हुए हैं। अगर आप अपने दांत काटने और नाखून काटने को राजी हो गए तो मेरी बेटी को आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो किसान की बेटी के रूप में शेर इतनी मोहित थी कि वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने कहा, मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ। इतना कहकर शेर ने एक एक करके दांत पीस लिए। शादी के बारे में सोचकर दांत पीसने का दर्द अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। दांतों के बाद उसने अपने चारों पैरों को नाखून काट दिए। वो दांत और नाखून काटने के बाद खून से लथपथ किसान को पास आया और बोला, आप अपनी बेटी को ले आओ और हमारा शादी होने दो। किसान ने उसके उठन पर बैठने दिया और घर के अंदर गया। उसने देखा ये मौका, ना नाखून ना दांत, आप शेर है ले चल बकरी की तरफ। उसने हमला करने और हारने के लिए सब कुछ खो दिया है। किसान बड़ी डेंगूस लेकर घर से निकला और शेर को बुरी तरफ से पीटा। पिटूनी खो के बाद बेचारा शेर किसी तरह भाग निकला और अपनी जान बचाई। जो लोग भाले और बुरे को फैसला किया बिना काम करते हैं, वे अपना खतरा खुद लाते हैं। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा वीडियो? तुम लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रहे, सुस्त रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।